कुर्सी पे अभी मैं दीदी को नींबू पानी पिलाऊंगा ठंडा। हाय हाय, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है भाई, हो तो ऐसा। देखिए मैं इधर से आई, मैं ढूंढ रही थी, मुझे लगा इधर से दूसरी जगह निकलूंगी। ठंडा मैं पिलाऊंगा पानी, नींबू पानी। दीदी दोबारा मेरे दुकान में जरूर आएंगे ठंडा। देखो इतना इतना अच्छा कौन होता है बताओ। माता ने एक भाई दे दिया। ये भी एक अलग रास्ता है, तो हम इस रास्ते से न जाके ये रास्ता चूज कर रहे हैं जाने के लिए। खासकर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ये वही शॉप है क्या? ओ, मुझे लगा ये रास्ता कहीं और जाएगा। ओ भाई, लाओ जरा कुर्सी पे। अभी मैं दीदी को नींबू पानी पिलाऊंगा ठंडा। हाय हाय, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है भाई, हो तो ऐसा। देखिए मैं इधर से आई, मैं ढूंढ रही थी, मुझे लगा इधर से दूसरी जगह निकलूंगी। ठंडा मैं पिलाऊंगा पानी, नींबू पानी। दीदी दोबारा मेरे दुकान में जरूर आएंगे ठंडा। देखो इतना इतना अच्छा कौन होता है बताओ। माता ने एक भाई दे दिया मुझे। बिल्कुल पीऊंगी मैं। देखो बैठ रही हूँ आराम से तुम्हारी दुकान पे। ऐसा भी होता है, भाई दिया मेरे को भी, एक बहन दिया, माता जी ने ऐसी बहन मेरे को मिली, मैं बहुत खुश हुआ। वाह वाह, पिक्चर में जाना मांगता मैं। सही बात है। दो गिलास दो दीदी, एक दो दे दो, नॉर्मल पानी में देना। एक ही एक गिलास दो तीनों को। देखो पूरी फिल्मी स्टोरी हो गई ना। बोला ऐसे तो फिल्मों में होता है, मैंने कहा हाँ। चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, भाई ने नींबू पानी दिया और इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। देखो बोल रहे इधर निकालो, उनका दिखाओ। लो ये पकड़ो, मैं दिखा देती हूँ कैसे नींबू पानी निकाल रहे हैं। ला पकड़ो। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स कैसे निकाल रहे हैं भाई नींबू पानी, बड़े मन से निकाल रहे हैं। वाह, प्यार से। ये आप लोग आइए, आप लोगों को भी नींबू पानी अच्छा फ्रेश मिलेगा। लेके जाओ इधर से माला फूल आदि। देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी होता है। अब मैं नींबू पानी पी लूं, फिर उसके बाद आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। ओके, देख रहे हैं मन्नत पूरी होने के बाद, जो जैसी मन्नत पूरी होती है, जिस तरीके की विश मांगते हैं। देखिए अब ये घुटने पे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। 1400 सीढ़ी घुटने पे चल के जाना, आप समझ रहे हैं ना। तो माँ ने ऐसी कोई विश इनकी पूरी की है कि वो घुटने पे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये असलम भाई बता रहे हैं, मैं पूछ रही थी कि कब से ये दुकान पे हो, तो बोला कि मैं 5-6 साल, बोला इन्होंने कि कितना, 12 साल से, मतलब 12 साल की उम्र जब इनकी थी तब से वो ये शॉप पे देख रहे हैं। 17-18 साल हो गए चलाते हुए। कितना अच्छा है ना, बचपन से बड़ा यहीं पे हुए और माँ की सेवा में हैं, पूजा पाठ का सामान देते हैं, तो कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा असलम भाई। अब मैं निकल रही हूँ और जब भी आऊँगी तो डेफिनेटली आपके शॉप पे आऊँगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने नींबू पानी पिलाया। फ्रेंड्स आप लोग भी आइए तो इनकी दुकान पे आइएगा। और ये जो स्टेयर्स का नंबर है यहाँ पे 960 जो स्टेयर्स का नंबर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जब आप चढ़ाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में इनकी शॉप है। तो अच्छा है, मतलब एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देख ही रहे ना आप फ्रेंड्स, अनजाने लोग भी अपने बन जाते हैं। तो अब निकलती हूँ, फिर आपसे कनेक्ट होती हूँ। ओके, ये देखिए ये बिल्कुल नेचुरल रास्ता है, थोड़ा सा वो वाले रास्ते से हटके देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है रास्ता।
अच्छा रास्ता है, छोटा सा, बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि ये सीढ़ी पैटर्न में नहीं बना है, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, थोड़ा सा पैर में चुभ भी रहा है क्योंकि थोड़ा रॉ है ना, इसलिए। यहाँ पे भी बैठ के सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, पेड़ भी काफ़ी पुराना सा लग रहा है। वो देखिए वो रास्ता, यहाँ से लोग आ रहे हैं, वो जो रेगुलर सीढ़ी बनी हुई है, और मैं यहाँ से आई, पहाड़ के अंदर का जो नेचुरल एक रास्ता होता है उस रास्ते से आई हूँ। जो अभी पहले दिखाया था वो और ये अलग है, मतलब मेन जो सीढ़ियाँ हैं उसके अलावा भी ये नेचुरल वाली सीढ़ियाँ भी बीच बीच में साथ में ही पैरेलल ही बना के रखी हुई हैं। ये थोड़ा शांति वाला रास्ता है, और वहाँ देख रहे ना, धक्का धक्का, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बस प्रॉब्लम ये है इन सीढ़ियों में कि ये चुभने वाली हैं, कंक्रीट चुभ रहे हैं पैर में, और वेल कार्ब्ड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिनिशिंग नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, जय माता दी। अब यहाँ पे फिर ये ख़त्म हो गई, अब आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन अभी दो जगह मिल गया। काफ़ी नीचे उतर आई हूँ मैं, आगे देखिए, यहाँ से आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए शेड दिखाया था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो गेट है माता का, वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं पहुँचूँगी क्योंकि आधी ही सीढ़ियाँ उतर पाई हूँ। आय हाय हाय हाय, यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है, अगर ट्रेन से जाती तो अंदर मन में ये लगता कि मैं ट्रेन से आ गई, और माता के पास जाने के लिए थोड़ा तो श्रद्धा भाव अपनी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर हमें थोड़ा कष्ट मिले तो अच्छा लगता है। कष्ट करके जाने पे लगता है कि हम माँ के पास गए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, भक्त भी ना क्या क्या सोचते हैं ना, कि हम पैदल चल के जाएंगे तो माँ ज़्यादा खुश हो जाएंगी। माँ तो भाव की भूखी हैं, उसमें गाड़ी से जाना पैदल जाना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, जैसे हम देवी देवता की स्थापना करते हैं, कितने घंटे बीत जाते हैं, पूजा में लगे रहते हैं, जो शारीरिक श्रम होता है वो एक भक्ति में लगता है कि हमने समर्पण किया माँ को, तो वही बात यहाँ पे भी है। अगर हम पैदल चल के 1400 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर गए और अब उतर भी रहे हैं, तो ये एक अपनी श्रद्धा है, एक भाव है, एक समर्पण है माँ के लिए, और कुछ नहीं। बाकी माँ है संभालने के लिए, जो भी होगा वो माँ देखेंगी, माँ संभालेंगी। बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स आज, क्योंकि आज संडे है, और संडे के दिन मैंने चुना माता के दरबार में आने के लिए।
अभी तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन श्रद्धालुओं का तांता कम नहीं होता, भीड़ हो या नहीं हो, लेकिन लोग आते रहते हैं। लगता है कि आसान है, लेकिन आसान होता नहीं है। ये भी बोल रही है कि हाँ पैर कांपने लगते हैं मैम, चढ़ने में पैर में दर्द होता है, सांस भी चढ़ती है और उतरते समय पैर कांपने लगते हैं। लेकिन अच्छा है, माँ की भक्ति है, भक्तों को इतना कष्ट तो करना ही चाहिए ना। हाँ, भक्ति करेंगे तभी तो शक्ति मिलेगी। यस, देखा फ्रेंड्स, इन्होंने बोला कि भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगी। सबको ये विश्वास है, माँ शक्ति देती ही है। सही बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आई थी, ये जो दिख रहा है ये गेट है, एंट्रेंस है यहाँ से, और अब मैं यहाँ से ही एग्ज़िट होंगी। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट दोनों एक ही है। अरे वाह, हाँ ये बरगद का पेड़ है, कितना विशाल पेड़ है। और यहाँ पानी पीने की व्यवस्था भी है, देखिए कोई चलते उतरते थक जाए तो पानी पी सकता है, रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है स्पेस को। पहले यहाँ पे देखिए, मैं मत्था टेक के गई थी, अब जाते समय भी यहाँ माता की फ़ोटो है। लाओ दिखा दूँ। जब आप बिगनिंग यात्रा शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माँ के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए माँ यहाँ पे विराजमान है। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा कांच की वजह से दिख नहीं रहा है। और ये देखिए कश्यप यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ से कोशिश करती हूँ, यहाँ माता की तस्वीर है, फ़ोटो है माता की यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये श्रद्धालु यहाँ पे इतने लोग उमड़े हुए हैं, बोल रहे हैं इनका चैनल है, हम भी आ जाएंगे। तो देखिए सब भक्ति में लीन है, सब भाव में एकदम माता के एकदम समर्पित हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। वहाँ पे लोगों ने तेल का दीपक जलाया है, तो खड़े होने पे पानी डाला हुआ है, तो पैर में लग के ना थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, ये जो फ्लोरिंग है इस पे पैर स्लिप कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, कितने लोग मिल रहे हैं माता के भक्त, और खुद से बोल रहे हैं हमारा भी वीडियो बनाइए। सबको खुशी मिल रही है ना, मेरा यही तो कहना है, मेरा काम तो यही है, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, वही कर रही हूँ। सब खुश हो रहे हैं वीडियो में आके, और उनको खुश देख के मैं खुश हो रही हूँ, मुझे भी खुशी मिल रही है। जय माता दी। फ्रेंड्स, आ गई मैं लास्ट सीढ़ी पे, माता रानी को पुनः प्रणाम किया, अभी एक लास्ट सीढ़ी हो गई। जय माता दी, सबकी तरफ से जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप यहाँ पे माता के लाइव दर्शन भी चल रहे हैं। वाह, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत अच्छा। दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए माँ का दरबार, बाहर निकल आई हूँ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पता चला कि प्रसादालय है, तो देखती हूँ कि प्रसादालय में क्या मिलता है ना। भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, दिखाओ। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आई, ये देखिए ये प्रसादालय है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद सारे श्रद्धालु आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और यहाँ से देखिए ये लाइन चल रही है
चलते चलते फिर यहाँ से मुड़ के फिर अंदर जाती है। मौसम का मिजाज थोड़ा ख़राब लग रहा है, नहीं तो प्रसादालय में जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाने में भी टाइम लगेगा, तो अब मैं वापस चलती हूँ। फिर कभी आऊँगी तो आपको प्रसादालय भी अंदर से दिखाऊँगी, बाहर से मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और जब फिर आऊँगी तो मैं अंदर से दिखाऊँगी। ओके, चलिए फिर चलते हैं वापस। प्रसादालय था और यहीं से एग्ज़िट का पॉइंट है, और अब हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। देखिए यहाँ एग्ज़िट बताया है, तो एग्ज़िट यहाँ से है। आगे का दिखाओ, ये देखिए, अब यहाँ से एग्ज़िट हो रही हूँ, मैं बाहर निकल गई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है, आते समय भी मैंने दिखाया था, ये वही है रास्ता, और छोटी छोटी दुकानें भी हैं, पानी खाना सब कुछ मिल रहा है। अब हम बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये देखिए यहाँ पे समोसे भी मिल रहा है, वड़ा पाव भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने का छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी सी। पैर अभी भी थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, चलते हुए नहीं बन रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। देखो गाड़ी आने, फोटो और ले लेते हैं, मैं चलता हूँ। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी ना कि प्रसादालय में जाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और हल्की बूंदाबांदी होके कितनी ज़ोर से बारिश होने लगी, तो सही सोचा था, लेकिन मुझे लगा इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी। तो अब देखती हूँ और क्या क्या होने वाला है वो बताती हूँ आप लोगों को। ओके, फाइनली फ्रेंड मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, और बारिश भी हो रही है, मौसम और भी सुहाना हो गया है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो देख ही रहे थे सब कुछ, आप लोगों के साथ मुझे ये पूरा एहसास होता है कि आप सब लोग मेरे साथ हो। मैंने आप लोगों के लिए भी प्रेयर की, और माता रानी की ब्लेसिंग सबको मिले, मैंने ऐसा अंदर मन में सोचा, और माता रानी को बोला कि जो भी मेरे इस सफ़र में मेरे साथी हैं, जो भी माँ के दर्शन कर रहे हैं, जो भी साथ साथ में आके दर्शन कर रहे हैं, भले वीडियो के माध्यम से, लेकिन माँ अपनी कृपा उन पे बना के रखना। तो अब आप समझ जाइए कितना टाइम हो गया, कितना लंबा समय बीत गया। हमेशा सोचती थी कि आऊँगी माता रानी के दरबार में दर्शन करने, लेकिन मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आप लोगों की वजह से मुझे मौका मिलना, क्या बोलूँगी, मतलब माँ का बुलावा नहीं था, और मुझे लगता है आप लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि माँ मुझे बुला ले रही है, या भोलेनाथ बुला ले रहे हैं, सब बुला ले रहे हैं। शायद आप लोग देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, और ईश्वर आपको दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए मेरा बुलावा आ ही जा रहा है। सोचो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है ना फ्रेंड्स, बुलावा नहीं था, आप लोगों के साथ बुलावा था।
तो आ गई। हर बात में एक बात होती है, वैसे भी स्पिरिचुअलिटी की बातें, डिवाइन बातें थोड़ा सा समझने में बहुत ही गूढ़ होती हैं, बहुत ही डीप होती हैं, लेकिन जो समझ गया और जो समझता है उसके लिए वो बात समझ में आती है कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में कहीं ना कहीं ये सूझ भी भगवान ही देता है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि इतने सालों से मैं आना चाह रही थी लेकिन मेरा योग संयोग नहीं बन रहा था, और आप लोगों के साथ तो खाली मैं मंदिर मंदिर ही घूम रही हूँ, है ना। जो लोग मुझसे बिगनिंग से जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे मैं कितने सारे टेंपल्स में गई हूँ, कहाँ कहाँ कितनी जगह मैं गई हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगह मैं जा चुकी, जाती हूँ कुछ और सोच के फिर भगवान का बुलावा कहीं और से आ जाता है। अब यहाँ का भी कल परसों से ही मैं प्रोग्राम बना रही थी, मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ, पहले मैंने सोचा हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाती हूँ, फिर मैंने सोचा बाबुलनाथ जाती हूँ, तो ऐसे सोचते सोचते फिर लेकिन मन में अंदर माता का ही चल रहा था। आप अभी नॉर्मल डेज में देख रहे हैं कितनी भीड़ है, जब नवरात्रि आती है और माता का दिन होता है तो यहाँ पे तो आप ना पूछो, मतलब जो हाल होता है। पहले मैं जब आया करती थी तो महीने में कम से कम 3 से 4 बार मैं यहाँ पे आती थी, और इतने सालों के बाद आई तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे सीढ़ियों पे चढ़ूंगी। पहले मैं गई वहाँ पे, मैंने पता किया ट्रेन का, वो जहाँ गणपति बप्पा का मंदिर मैंने दिखाया, पहले जो दर्शन किए मैंने गणपति बप्पा के, जस्ट उसके बगल ही टिकट काउंटर था जहाँ पे ट्रेन की टिकट मिलती है, मेट्रो तो नहीं, मतलब लोकल ट्रेन जैसी ही एक डब्बे की छोटी ट्रेन, मिनी ट्रेन चलती है। पहले रोपवे था तो मैंने पता किया, तो रोपवे बंद कर दिया है, केबल कार बंद कर दिया है, तो अभी मिनी ट्रेन चलती है। मैंने आपको ऊपर से अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया भी है, ट्रेन का ट्रैक भी दिख रहा है जिसमें एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन आती है, दोनों अलग अलग ट्रैक बने हुए थे। बाकी तो सोशल मीडिया पे तो लोगों ने बहुत डिटेल में भी बनाई है वीडियो, सारी चीज़ें बताया है कि कितना दूरी पे है, स्टेशन के नज़दीक है, मतलब स्टेशन के नज़दीक है, विरार के नज़दीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है माँ का ये टेम्पल। लेकिन अच्छा है, बहुत ही, मतलब बता नहीं सकती, जब मैंने आरती अटेंड की तो बहुत ही अलग, बहुत ही डिवाइन अनुभूति थी, ऐसी वाइब्रेशन थी वहाँ की फ्रेंड्स की शायद शब्दों में ना कह पाऊँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी वहाँ घट रहा था, लोग बेकाबू होके इतने भावुक होके नाच रहे थे, कूद रहे थे, तो ये भी एक भक्ति का रंग है। मैं डर गई अंदर से, क्योंकि ऐसा माहौल थोड़ा सा मैं पता नहीं देखा भी नहीं है, और थोड़ा सा मैं दूर हो जाती हूँ। सबके अपने अपने भाव हैं, कोई गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, होता भी ऐसा है, माँ के अंदर इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है, जब नगाड़े बजते हैं, जब ढोल बजता है तो कोई भी बेकाबू होके अपने आप से बाहर जा सकता है, सब तो भाव ही है ना, भक्ति भी एक भाव है, और भगवान भाव के भूखे हैं। बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीह तैसी, इस बात में बहुत सच्चाई है। कहीं भी दर्शन हो भगवान के, मन बहुत शांत हो जाता है, अभी बहुत शांति आ गई है मन में। तो फ्रेंड्स, वही बात मैं कह रही थी कि भाव, भाव ही सब कुछ है, भाव से ही सब कुछ होता है। आपके रिश्तेदार हों,
आपके अपने हों, आपके जानने वाले हों, सब कुछ भाव से ही चलता है, सब कुछ भाव से ही होता है। बहुत अच्छा मौसम है फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए हरियाली के बीच में कितनी हरियाली है, देखिए बहुत सुंदर, बहुत शांत सा माहौल लग रहा है, ये एरिया ही बहुत शांत सा है। अभी जब हम सिटी में आ जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा हटके है, जैसे ही हम जो मेन हाईवे पे और मेन रोड पे आ जाएंगे तो वहाँ आपको फिर वही मुंबई वाली चहल पहल भीड़ दिखाई देने लगेगी। बादल बहुत घने आ गए हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे पहाड़ है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है बारिश भी बहुत ज़ोर से होने वाली है। देख रहे हैं सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, सामने एक बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। फ्रेंड्स अभी कितनी जोर से बारिश होने लगी, देख रहे हैं पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो दूर दूर के पहाड़ दिख रहे थे सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अब अपने मूड में आ रहा है बरसने के। अच्छा है, बारिश होनी चाहिए, झमझम झमझम, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इधर ग्लास पे नहीं दिख रहा कुछ, सामने फिर भी दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा थोड़ा छट रहा है, बराबर सही बोला। देखिए मुंबई की बारिश, सामने पानी देखिए, पानी भी कितना जमा हो गया है किनारे किनारे में, देखिए सारी गाड़ियां पानी उड़ाते हुए जा रही हैं। बारिश में फ्रेंड्स देखिए सड़कें भीगने के बाद कितनी अच्छी लगने लगती है ना, और जो हरा भरा सब दिख रहा था नेचर, और उस पर बारिश की बूंदें पड़ने के बाद वो और भी ब्यूटीफुल लगने लगा, नाइस सुंदर दिख रहा है। आगे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा, जितना दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश में घूमने का अपना अलग ही मजा है, मन में शांति भगवान के दर्शन करके, और अभी ये मौसम वाह, अब इसमें और क्या होना चाहिए फ्रेंड्स बताइए, क्या होना चाहिए, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, ऐसा होता है ना बारिश के मौसम में, अच्छा लगता है खाना, और अच्छी सी अदरक वाली चाय, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, और शुगर की जगह गुड़ डाल के, ये मेरे चाय की रेसिपी है। तो कभी कभी जब ज़्यादा खुश होंगी तो उसमें अजवाइन भी डालने के लिए बोल दूंगी। अजवाइन की चाय आप लोगों ने पी है? नहीं पी है तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, गुड़ और अजवाइन, अदरक भी। ये देखिए फ्रेंड्स झमाझम बारिश हो रही है,
मैंने कैमरा बंद करके रख दिया था, लेकिन इतनी जोर से बारिश हुई तो मैंने कहा नहीं आप लोगों को दिखा दिया, फिर से कैमरा ऑन कर दिया। मौसम को एंजॉय करिए फ्रेंड्स, देखिए क्या बारिश हो रही है, वाह। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा भर तो गया ही है, दो तीन दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही हैं, जोर जोर से आवाज भी आ रही है, खूब झमाझम बारिश हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और वहाँ झमझमा के बारिश हो रही थी, देखिए बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी ही दूरी पे हम आगे बढ़े हैं और ये देखिए यहाँ पे बारिश का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स, कहीं धूप कहीं छांव, कहीं बारिश और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जो हैं अगर उनको ये बोला जाए अरे हमारे उधर बहुत बारिश हो रही है, तो उनको लगेगा बहुत दूर कहीं रह रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं थी। मुझे लग रहा है कितना आधा किलोमीटर रहा होगा ना जितने में बारिश, और आधा किलोमीटर नहीं पाँच छः किलोमीटर था। ओह पाँच छः किलोमीटर का आधा किलोमीटर, पाँच छः किलोमीटर का डिस्टेंस था। भगवान की लीला। अच्छा फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, ये जो मैं टेम्पल्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो पूजा के वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं या आपको भगवान के वीडियो देख के कैसे लगते हैं जो मैं दर्शन करती हूँ और आप लोगों को कराती हूँ दर्शन, तो आप लोगों को कैसा लगता है वो वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है भगवान को भजने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। मन बहुत दुखी होता है मेरा, मैं वीडियो डालती हूँ फिर मैं देखती हूँ अभी इतने लोग मेरी फैमिली में जुड़ गए हैं, लेकिन जैसे लोगों की डिमांड भी आती है जैसे लोग कभी कभी कमेंट में करते हैं कि मैडम यहाँ का दिखाइए, मैडम ये वीडियो बनाइए, मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज आते हैं पर्सनली कि मैम आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छा दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप वहाँ पे कमेंट करिए। कमेंट भी करते हैं लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सच में बहुत पसंद आ रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं या आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं मुझे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है और आगे भी आप भगवान के वीडियो देखना चाहते हैं, आगे भी आप टेम्पल्स के वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे सिचुएशन में जा जा के किन किन परिस्थितियों में मैं वीडियो शूट करती हूँ। आप अब ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है दर्शन तो मैं खुद कर रही हूँ तो आपके लिए क्या, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। आपके लिए क्या है पता है, मैं ऐसी अजीबोगरीब कंडीशन में पहुंचती हूँ, मैं दर्शन करने अगर जा रही हूँ, सिर्फ मैं दर्शन करने जा रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गई दर्शन करके और चली आई। लेकिन जब वीडियो शूट करना होता है और जब भीड़ वाली जगह में जाना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी नज़रें आपको देख रही होती हैं, फिर भी आप काम कर रहे होते हो, मैं हंस हंस के आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ, तो एक ऐसा भी टाइम होता है, ऐसी भी चीज़ें लगती है कि पब्लिक प्लेस पे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है।
समझ रहे हैं, एक फीमेल के लिए पब्लिक में जाके और वहाँ पे कैमरा पकड़ के बातें करते रहना, बोलते रहना, तो कहीं ना कहीं एक क्राउड का अटेंशन खींचता है। मतलब एक उनको ऐसा होता है ना कि पता नहीं पूछूं या नहीं पूछूं। तो मेरे साथ मेरे टीम में जो जो लोग होते हैं तो उनसे वो पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ या मैं किस चीज़ के लिए क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये बात बोलने का मेरा रीज़न यही है कि मैं ये चाहती हूँ अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हो, मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बने हो, तो प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंस भी दिखाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि रियली मतलब मैं कहीं जाती हूँ ना, खाली मैं वीडियो नहीं बना रही होती हूँ, मैं आप लोगों को साथ साथ लेके चल रही होती हूँ। मेरे माइंड में, मेरी बातों में आप लोग ही होते हो। भगवान के दर्शन जब तक मैं जितनी देर करती हूँ, मेरी आस्था, मेरी भक्ति, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ भी मतलब मैं वहाँ पे होते हुए भी मैं आप लोगों को याद रखती हूँ और आप लोगों के साथ चल रही होती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी यही चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ चलो। अगर आप बने हुए हो मेरे साथ तो अपनी प्रेजेंस दिखाइए। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या और क्या आपको देखना है, या कैसा क्या होना चाहिए, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं परिवार का मतलब क्या होता है। परिवार का मतलब यही होता है ना कि सारी बातें हम खुल के बोल सकें। किसी ने मुझे मैसेज किया इंस्टा पे, तो उन्होंने ये लिखा, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि मैडम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये पब्लिक ऐसी है ना, इनको मज़े देखने की आदत है। थोड़ा अलग अवतार में बनाइए, आप एक्ट्रेस हैं, क्या भक्ति दिखा रही हैं, क्या दिखा रही हैं, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इससे फ्रेंड्स कभी ना कभी मन में ना एक तकलीफ भी होती है, एक विचार ना बहुत अजीब सा आने लगता है कि क्या सच में यही सच्चाई है, समाज की यही रियलिटी रह गई है। कम कपड़े पहनो, ऊटपटांग बातें करो, कुछ भी करो, वही सबको पसंद आता है। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? हम क्या कर रहे हैं, अभुगत कौन रहा है? हमारी आने वाली जनरेशन या जो अभी आगे भविष्य के बहुत सारे सपने बुन रहे हैं, ये सब तो असर उनके ऊपर ही पड़ रहा है ना। हमने तो अपनी लाइफ बिता ली, हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन आगे हम देख क्या रहे हैं उनको? मज़ा जो उन भाई साहब ने मैसेज में मुझे भेजा था। तो आप लोग इस बात से कितने सहमत हो, आप लोग भी खुल के कॉमेंट करिएगा। अगर ऐसा कुछ ही वीडियो बनाना है तो ज़रा आप लोग भी बताइएगा। मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं आता, लेकिन दुख होता है, वो मेरा पर्सनल है, वो मेरी अंदर की फीलिंग है। मैं चाहती बहुत अच्छा वाला जवाब दे सकती थी, लेकिन ठीक है, महादेव ने दुनिया बनाई है, महाकाल ने सृजन किया है, भगवती का ये संसार है, सब उसी के हैं, सब उसी में है। ईश्वर ने उनको उतनी ही बुद्धि दी है कि वो ऐसा मुझे सजेशन दे। ईश्वर उनका भी कल्याण करे, सबका कल्याण करे। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने 5 बिल्डिंग दिख रही है और पांचों एक जैसी ही दिख रही है। देखिए ये
कमाल है ना कैसे बनाया हुआ है, पांचों को एकदम इक्वल बनाया हुआ है, क्या कमाल है ना। पांचों कैसी दिख रही हैं, एक जैसी, ये देखिए, और पास दूर से ही बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। एक बगल भी है बट वो सिंगल, इधर ये पांच जैसे लग रहा है दो सेनाएं खड़ी हैं, एक बेचारा अकेले और इधर पांच। वाह, हाँ, तो कम टू द पॉइंट, आप लोग कमेंट करिए, अपनी प्रेजेंस बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगेंगे तभी तो और आगे बनाऊंगी ना, नहीं तो ठीक है मैं डेली वीडियो नहीं डालूंगी, ठीक है, चलेगा। फिर जब मेरा मन होगा तब मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी, क्योंकि मेहनत करूंगी तो किस लिए, मुझे उसका रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना। तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, आप मेरे रोज वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अपना प्यार दिखाइए। मैं तो अपना प्यार दिखा रही हूँ आप लोगों को, अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखा के। आज भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं आरती हो रही थी वहाँ पूजा के लिए, जब मैं माता के टेंपल पे पहुँची, जीवदानी माता के टेंपल, तो वहाँ पे मना कर रहे थे फोटोग्राफी के लिए। मैंने उनको बोला तो बोले हाँ, मतलब होता है सबकी अपनी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो पास से मना कर रहे थे, दूर से थोड़ा बहुत फुटेज ले सकते हैं ऐसा बोला उन्होंने मोबाइल से। ऊपर जब जहाँ गई थी तो वहाँ भी बोले कि नहीं, कैमरा से नहीं, मोबाइल से कर सकते हैं, तो होती हैं चीज़ें। तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करके फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, और जब आपकी वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या समझूंगी, बोलिए। इसलिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं जानती हूँ, तो आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि जो व्यूज आते हैं, जो लाइक्स आती हैं, तो कभी कभी एहसास होता नहीं आप लोग देख रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब शांति में पड़ा हुआ है, तो फिर लगता है यार, लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है क्या। बस मेरा यही एक इंटेंशन है, जो हमारी जड़ें हैं उससे मैं जोड़ना चाहती हूँ, जुड़े सब हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जोड़ूंगी तभी जुड़ेगा, जुड़े सब हैं, लेकिन इस रश वाली लाइफ में सब इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि समय ही नहीं मिलता। तो मैं सोचती हूँ चलो 10 मिनट का, 8 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो अगर मैं कहीं किसी टेंपल में जाके बनाती हूँ और वहाँ सबके लिए प्रे करती हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हूँ या नेचर के साथ वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ, तो लोगों को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो यही, इसीलिए वही खुशी हम डिज़र्व करते हैं, हम हमारी लाइफ में उसी खुशी को पाने का अधिकार रखते हैं, जो कहीं ना कहीं इतनी बिजी लाइफ में खो गई है, कहीं ना कहीं गुम हो गई है। बस जड़ों से जोड़ने का मेरा कहने का मतलब ये था। बहुत
अभी अभी मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब बोलने वाली हूँ, लेकिन ऐसे ध्यान आया, वो चीज़ याद आई, वो बात याद आई, तो उसी बातों बातों में इंसान बहाव में भावुक होके बोल जाता है। आपको मेरी किसी बात से कोई ठेस पहुंची हो, आपको मेरी बात से कुछ दुख लगा हो या कुछ खराब लगा हो, तो प्लीज़ आई एम वेरी मच सॉरी। सो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा किसी को भी हर्ट करने का या दिल दुखाने का कोई भी दूर दूर तक इरादा नहीं है। मैं तो प्यार बांटने और खुशियां बांटने आई हूँ। स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, कमेंट में लिखना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जीवदानी माता का जितने भी एपिसोड्स आएंगे आप लोग देखिएगा, देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बस अब मैं घर के बहुत ही नज़दीक पहुंच गई हूं, तो अब ये बातों को यहीं विराम देती हूं और मिलती हूँ फिर एक नई ताजगी के साथ, एक नई हैप्पीनेस के साथ, एक नई खुशियों के साथ, एक नई थॉट पॉजिटिविटी। तो जल्दी ही आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है ज़रा वो भी ध्यान से सोचिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। तो अब लेती हूँ आपसे बहुत ही छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी।